देखिए, जिंदगी हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, एंड इफ एनीथिंग, ये जो पैंडेमिक इंड्यूस लॉकडाउन आया था, इसने बहुत कुछ सिखाया। और एक चीज जो हम सब ने सीखी कि भाई कुछ भी हो जाए, कितनी कर्व बॉल लाइफ हम पे फेंके, जिंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है। और इसी जज्बे को एक बार फिर से दिखाने, रीइग्नाइट करने, उस फेस को एक बार फिर से रीइग्नाइट करने के लिए आ रही एक बड़ी ही स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा फिल्म, चलती रहे जिंदगी, जिसकी डायरेक्टर आरती इस वक्त हमारे साथ है। कमाल की स्टार कास्ट है, जिनमें से एक द टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल मंजरी हमारे साथ है। सो ढेर सारी बातें हम इनसे करेंगे, बट सबसे पहले आप दोनों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक Thank you for having यू, us. Thank you so much for calling. थैंक यू। द प्लेजर इज आज, बिकॉज पैंडेमिक का जो दौर था हम सबने जिया है, ऑब्वियसली उसकी जो उदास यादें हैं या सैड मेमोरीज है वो हम रिलिव नहीं करना चाहेंगे, बट जो सिखा के गया वो दौर, वो डेफिनेटली हम भूलना नहीं चाहेंगे। एंड आई एम गेसिंग एंड आई एम होपिंग द फिल्म फिल्म इज ऑल अबाउट इट। आरती, You said it. बट आई वांट यू टू से मोर। So we have the idea behind the film was कि उस टाइम है ना, ऐसा एक फॉग था। हाँ, पता नहीं था ये कोरोना कब जाने वाला है। करेक्ट, हम सब अटके हुए थे और हमने ये फिल्म बनाई उस समय में, उसी टाइम इन लॉकडाउन्स वी वर मेकिंग इन आवर होम्स। सो वी डिड इट आउट ऑफ द एफर्ट आल्सो टू चीयर आवरसेल्व्स अप, एंड होपफुली वी आर टेलिंग द टेल ऑफ द टाइम्स व्हाइल वी आर लिविंग इन, कि यार आई मीन ह्यूमैनिटी विल कम आउट ऑफ दिस एंड देयर विल बी होप। इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू द मोस्ट मेसीएस्ट लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ क्रैश हो रहा है, आपकी फाइनेंसिस काम नहीं कर रहे हैं, आपका मेंटल हेल्थ काम नहीं कर रहा है, तो यू नो ऑल दैट, बट स्टिल आप कैसे भी करके द कैरेक्टर्स हैव टू इमर्ज आउट ऑफ इट, बिकॉज वी वॉन्टेड टू टेल अ स्टोरी ऑफ होप एंड करेज। सो दैट्स राइट, वॉट एंड यू शॉट दैट्स इट ड्यूरिंग दैट टाइम। यस इन बीच लॉकडाउन। सो द क्वेश्चन इज कि उस टाइम पे जब लोग घर से निकलने में डर रहे थे, तो आपके दिमाग में ये आइडिया आया, काम पे जाने के लिए डर रहे थे, काम बंद हो चुका था, अब आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, वो करेज फर्स्ट ऑफ ऑल आती कैसे आई कि यार ऐसी एक फिल्म पहले तो मैं बनाऊं और फिर कुछ ऐसे लोगों को मैं उसमें जोड़ूं जो मेरी ही तरह फितूरी हूं और बोले हाँ चलो करते हैं। तो पहले पहले तो आप बताओ आरती, वो आइडिया कैसे आया, फिर मैं मंजरी से पूछूंगी इस आइडिया से वो कैसे जुड़ी। करेक्ट। तो हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी, हम तो हैं कि हमको वर्क फ्रॉम होम करना है, चलो फिर हम शूट चालू करते हैं, पर उसके लिए पहले लिखना। तो फिर हाँ हमने जो द हाउसिंग सोसाइटी आई स्टे इन, आई हैव इंद्रनील एंड बरखा एज माय नेबर्स अच्छा एंड आई हैड अ डीओपी, सो वी डिसाइडेड। तो मैंने उन दोनों को जहन में रखते हुए, मैं मेरे हस्बैंड जो भी राइटर हैं, आई मीन ही गेव मी द आइडिया एंड अनदर राइटर वर्षा एंड माय प्रोड्यूसर राइटर शाकिब, वी ऑल केम टुगेदर दैट लेट्स ट्राई एंड टेल अ स्टोरी बिट अराउंड दीज टू एक्टर्स, एक बार शुरू करते हैं, देखते क्या होता है इसके बाद। पता नहीं था कि हमको, हम ऐसे कूदे नहीं इसमें विद द आइडिया ऑफ फीचर, वी गेवेंट इन टू इट कि लेट्स स्टार्ट विद वन पार्ट, वन इश्यू दैट वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट वॉट हैज हैपेंड इन अ लॉकडाउन। तो हमने बरखा और इंद्रनील के साथ वैसे चालू किया, फिर जब वो खत्म हुई और बनी ना, फिर हमें लगा यार देयर सो मच मोर दैट हैज हैपेंड इन एवरीवनस लाइव्स, इट्स नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप ड्रामा, देयर सो मच मोर। द माइग्रेंट क्राइसिस वाज सो ह्यूज, द काइंड ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स दैट वर हैपनिंग इन पीपल्स होम्स व्हेन दे वर सो कूप्ड अप, स्पेशली द ओल्ड पीपल, द वे दे वर लाइक सो फियरफुल, तो वैसे इश्यूज जब आए ना, हमने सोचा चलो दो और कहानी ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। तो हमने एक पहली लॉकडाउन में इंद्रनील और बरखा के साथ बनाई, फिर एक बीच में एक वेव आया उसका एक लॉकडाउन में हमने मंजरी और सीमा जी की बनाई, इनको हमने स्मगल किया अंदर और हमारे अच्छा सोसाइटी में और मेरे घर में शूट किया। और तीसरी कहानी जो सिद्धांत और रोहित की है, एक दिन हमको स्लम में जाके शूट करना पड़ा, और एक और नेबर है वो भी, शी इज एन एस्पायरिंग एक्टर, शी प्लेड द सिस्टर, शी सेड आई विल ऑफर माय हाउस, तो हमने वहां पे सिद्धांत और रोहित की कहानी बनाई। और वो हमारे एक्चुअली सेकेंड लॉकडाउन हुआ, विच वाज अ बिगर हिट फॉर इंडिया, द सेकेंड लॉकडाउन इज The more मच dangerous मोर, one, yes. या अ वेरी वेरी डेंजरस वन। सो वी मैनेज टू फिनिश दिस एंटायर फिल्म शूटिंग इन 15 डेज अक्रॉस द लॉकडाउन्स, Okay. एंड दैट्स हाउ, एंड आई रियली रियली एम सो थैंकफुल टू माई कास्ट एंड माई क्रू दैट दे केम ऑन बोर्ड विद की अरे हाँ कुछ तो अच्छा बन रहा है, व्हाइल वी आर लिविंग द टाइम्स
हम कहानी बता रहे हैं, वो एक अलग फीलिंग होती है ना, कि फिर आप याद करके नहीं कर रहे हो, व्हाइल यू आर डूइंग इट सो राइट ऑथेंटिक, यू आर टेलिंग अ लैंग्वेज दैट विल इमीडिएटली, लाइक जो हो रहा है आपके साथ आप इमीडिएटली कर रहे हैं, तो उसका करेक्ट एक अलग ही ग्रामर आया, अलग ही ऑथेंटिसिटी आई, तो उससे बहुत आई थिंक अच्छी सुंदर फिल्म बन गई. राइट. सो मंजरी आरती ने जैसे कहा कि एक आइडिया आया एंड देन इनिशियली शी बिकॉज वो दोनों नेबर्स थे तो भाई ऐसे कहीं बाहर भी नहीं जाना था, हाँ तो वहां से हुआ. फिर उनको लगा कि यार हाँ थोड़ा और तूफानी कुछ करते हैं, फिर और तो एक्टर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया हमें ऐसे. स्मगल किया गया. हाँ मैं वही जानना चाह रही हूँ, ऐसे टाइम पे जब इसेंशियल कमोडिटीज को स्मगल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ये एक्टर्स को स्मगल हाँ करके ले आई, तो आपने हाँ मतलब क्या वजह रही कि आपने भी विदाउट थिंकिंग किया ये डेंजरस सा भी कुछ हो सकता है, बिकॉज एज आरती सेड यू नो दैट पैंडेमिक शी हुई और गॉट फॉग हिट बाय हमें पता ही नहीं कोरोना था. बिकॉज ऑफ आवर फिल्म. हाँ तो कैसे या कैसे आई खींची गॉट कैसे आई कोरोना आप, ड्यूरिंग द डांस रिहर्सल. हाउ डिड इट हैपन, डर लगा दिमाग में था कहीं और यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द स्टोरी. यार ऑनेस्टली मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो गई थी, अच्छा सो आई वाज लाइक आई नीड टू डू समथिंग फन, समथिंग क्रिएटिव, बिकॉज आई थिंक वी आर क्रिएटिव सोल्स आउट हियर, यू नो वी वांट टू डू समथिंग दैट एक्सप्रेसेस व्हाट वी आर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग. सो इन फैक्ट पीक लॉकडाउन के टाइम में ऑलरेडी एक फिल्म घर पे अकेले बैठ के हमने एक फिल्म शूट की थी कॉल्ड ये दूरियां, विच इज ऑन यूट्यूब. तो उसमें द डायरेक्टर, डीओपी, इवन द एक्टर, वी वर ऑल ऑन जूम कॉल विद ईच अदर, एंड हम ही ने कैमरा लगाया, लाइक सो दैट्स द वे वी शॉट वन फिल्म ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन आर हाउसेस, इन आर रिस्पेक्टिव हाउसेस अलोन. सो आई वाज लाइक दिस इज लाइक आई एम गोना मीट ह्यूमन बीइंग्स, आई एम गोना मीट पीपल एंड माय फेवरेट पीपल ऑन टॉप ऑफ दैट. So I mean, like Aarti and I go back a long way, and I love her, and like you know we've had such beautiful experiences and films we've shot together, and you know so when she came to me with the script, and I was like, oh, we're gonna have fun, it's a great script, and let's do it. So yeah, so that's how I just got on board, and I was like, अभी हो जाए, जो होगा देखा जाएगा types. राइट. बट यू नो आज व्हेन वी आर लुकिंग बैक एट यू नो कि कोविड में ये भी हुआ था वो भी हुआ था, बहुत सारी चीजें अनबिलीवेबल सी लगती हैं, और उस वक्त आज जो हो रहा है वो अनबिलीवेबल लगता था क्योंकि आई एम श्योर एज एक्टर्स आपको लगता होगा कभी क्या फिर से शूट रिज्यूम होगा, हमको एज ऑडियंस लगता था क्या कभी फिर से फिल्में आएंगी या सीरियल्स बनेंगे, अभी एंटरटेनमेंट क्या होगा हमारा. सो व्हेन यू लुक बैक नाउ एज एक्टर्स जिन्होंने इस दौरान उस पीरियड में एक फिल्म बनाई जिसको आज आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ लॉकडाउन वेयर अभी कंपैरेटिवली यू नो लोग काफी नॉर्मल हो चुके हैं, व्हाट आर द हाँ, मेमोरीज दैट आर कमिंग बैक. आई स्टार्ट विद यू आरती. सो द बिग मेमोरी दैट इज कमिंग बैक इज दैट एक तो ना कोविड ने सबको बहुत काम करना सिखा दिया हाँ ना, खुद से, ऐसा कोई डिपेंडेंसी वाह नहीं, वो जो था ना वो एक सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस वाली जो फीलिंग थी ना, उससे जो कॉन्फिडेंस आया ना, वो इज हाँ अ वेरी प्रेशियस मेमोरी दैट आई थिंक वी आर स्टिल कैरिंग फॉरवर्ड. सो या दैट्स समथिंग दैट अभी डर नहीं लगता है कि कैसे हाँ होगा क्या होगा, अभी लगता है यार वो कर लिया तो कुछ भी कर लेंगे. व्हाट अबाउट यू एग्जैक्टली, मंजरी. लाइक वी कैन, एज पार्टी सेड, वी कैन कम आउट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लाइक यू नो हाउ एवर डिफिकल्ट द टाइम्स आर. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई मीन me and my parents were constantly talking on Zoom calls and cooking together. I mean, I have stayed alone for a very long time. I mean, in Mumbai, my parents live in Pune, but I haven't spent this kind of quality time with my parents that I did during lockdown. We were playing Antakshari on Zoom call. We were like, you know, sharing recipes. And आज मैंने ये सीखा, आज मैंने वो सीखा, ये बेकिंग किया, वो बेकिंग किया. So you know, I think it brought a lot of us very close emotionally to people. You started valuing people in your life much more, you know, and like, and you realized who are your real people in your life, who you want to take care of, or you know, I mean, I think that's a realization that happened with a lot of us. राइट. एंड यू नो इट्स So वेरी yeah. आयरोनिक, जब कोविड के पहले हम सब साथ रहते थे सो हमारी लाइफ काफी वर्चुअल हमने बना दी थी, हम जहाँ इतना एक हाँ. दूसरे के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रखते थे. फिर कोविड का टाइम आया जिसने हमें बांध दिया एक वर्चुअल जिंदगी में, बट सरप्राइजिंगली हमारा ह्यूमन कनेक्शन बढ़ा दिया. डू यू अग्री? That's true. I was saying the यस same thing previously. The kind of
कनेक्शंस दैट आई कनेक्टेड विद सम ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, बहुत टाइम मिल गया हमारे हाथ में ना. हाँ तो वी आई एम एंड देन इवन बिकमिंग कांस्टेंट विद आर रिलेशनशिप्स, कि फैमिली को टाइम दे, लाइक शी सेड, कि पेरेंट्स के साथ या कुछ ना कुछ, वी मैनेज समहाउ द अदर टू स्टे इन टच एंड मेक ईच अदर फील दैट वी आर देयर. राइट हाँ राइट यू नो नहीं तो बट पहले अर्लियर वी यूज्ड टू बी लाइक मम्मी का कॉल है, हाँ मम्मी आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक, करके यू हैंग अप एंड देन यू यू टेक देम फॉर ग्रांटेड. बट देन हियर आई मीन लाइक यू लाइक नो, यू कैन नॉट टेक योर लव्ड वंस फॉर ग्रांटेड, यू हैव टू बी देयर फॉर देम एंड स्पेंड टाइम विद देम. करेक्ट. सो दिस इज वन गुड थिंग. बट ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग अभी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाने के बाद से कोविड ने जो सिखाया आई थिंक उसको भी भूल रहे हैं, और प्रोबेबली दे लाइक अभी था वो एक दौर चला गया है, वापस उसमें आ रहे हैं. इज इट द सेम विद यू गाइज, या फिर कोविड के दौर में जो आपके लाइफ में चेंजेस आए? फॉर मी लाइक यू नो अभी लेस इज मोर वाली हालत हो गई कि यार तब भी काम कम में चल रहा था, हम क्यों खामखा बहुत सारी चीजों के पीछे भागते थे. अभी ठीक है चल रहा है तो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो गो फॉरवर्ड, तो वो थ्योरी लेके ही मैं चल रही हूँ एंड रिलेटिवली फाइंडिंग माई सेल्फ मोर हैप्पी. सो आप लोगों करेक्ट. से अगर पूछो इंडिविजुअली, मंजरी आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट, क्या ओके चेंज कोविड के टाइम आया विच यू स्टिल कंटिन्यूइंग एंड यू आर इन लव विद इट? क्या चेंज कोविड के टाइम आया? एक तो माय 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 बॉन्ड विद माय पेरेंट्स बिकेम इवन मोर ब्यूटीफुल, एक तो वो है. एंड दूसरा यू नो आई मीन लाइक इट वाज, आई वेंट थ्रू अ लॉट सोशल एंग्जायटी पोस्ट कोविड, व्हिच आई डिडंट रियलाइज व्हाइल आई वाज लाइक यू नो कोविड के बाद. आई मीन नॉर्मली यू नो व्हेन यू गो टू कॉफी शॉप्स एंड ऑल दैट, आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल अराउंड पीपल, नॉट बिकॉज आई वाज पैरानॉइड, आई वाज जस्ट नॉट एबल टू लाइक, बिकॉज आई हैड बिकम सो यूज्ड टू बीइंग बाय माय सेल्फ एंड हैविंग फन बाय माय सेल्फ, आई यूज्ड टू रियली एंजॉय माय कंपनी एंड ऑल दैट, व्हाट एवर द रीजन वाज. बट आई डोंट नो, देयर वाज सम काइंड ऑफ अ सोशल एंजाइटी व्हिच हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड बट ऑफ कोर्स आई केम आउट ऑफ इट इवेंचुअली, इवन नाउ ऑफ कोर्स आई अगेन हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग कंपनी. बट आई डोंट नो आई व्हाई आई ब्रॉट दिस अप, बट आई ब्रॉट दिस अप बिकॉज आई हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आई हैव रियलाइज दे ऑल वेंट थ्रू दिस बिकॉज दे गॉट सो यूज टू बींग इन वन हाउस बाय देमसेल्व्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो बट आई एम ओवर इट, सो आई मीन दैट्स अ मेमोरी आई हैव. आई थिंक इट वॉज नॉट, आई डोंट थिंक आई आंसर द राइट थिंग दैट ओके यू बट आर यू स्टिल आस्किंग. कैरिंग ऑन, अभी कुछ एक अच्छी म्यूजिक आदत शुरू की थी और अभी भी जारी कर रहे हो उसे. म्यूजिक म्यूजिक सो ड्यूरिंग कोविड आई काइंड ऑफ म्यूजिक हैज बीन ऑन द बैक बर्नर इन माई लाइफ सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट बट आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू यू नो डू रियाज एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस, लर्न न्यू सॉन्ग्स, लर्न अ बिट ऑफ पियानो एंड डू सम कवर्स एंड एवरीथिंग. सो या आई थिंक म्यूजिक हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई मीन विच ऑलवेज वॉज, बट नाउ अ लिटिल मोर प्रोफेशनली एज वेल. सो आई हैव अ लॉट ऑफ माई सिंगल्स एंड ऑल कमिंग आउट वेरी सून, सो या दैट्स काइंड ऑफ स्टक ऑन. ओके ग्रेट. वी आर वेटिंग कि आप कुछ नया कुछ निकालो और वो हम सुने, क्योंकि देखते हैं आप कौन है, सुने अरसा हो गया है तो वो भी हम करें. बट आरती आपको दिमाग में नहीं आया यार मेरे पास तो इन हाउस सिंगर भी है तो यूज कर लूं मैं यहाँ एक्टिंग के अलावा भी? There's always the next film that she will be in, that she will be राइट right. अच्छा आरती a एज अ डायरेक्टर अगर आपसे पूछो, जब हम फिल्में देखते हैं जैसे हमको कहते हैं ना कि वो यू नो देयर आर मिरर टू द सोसाइटी, और जब हम देखते हैं तो कुछ फिल्मों में ऐसा होता है कि हमें कुछ किरदार या कुछ इंस्टेंसेस रिलेटेबल लगते हैं. नाउ यू हैव मेड अ फिल्म व्हिच वाज ग्लोबली अफेक्टेड द इंटायर ह्यूमैनिटी, तो ये ऐसी फिल्म है जिसके कुछ पोर्शंस नहीं, आई थिंक पूरी फिल्म हमको रिलेटेबल लगी. करेक्ट, दैट्स सो ट्रू. आई थिंक ईच पर्सन विल आइडेंटिफाई विद सम कैरेक्टर और द अदर, और सम इशू और द अदर. एक तो बिकॉज लाइक यू राइटली सेड, इट वाज अ यूनिवर्सल इशू, राइट? एंड ऐसे इशूज है ना, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, वैसा वाला जोन था ना, कि राइट कुछ ना कुछ कहानी आपको नहीं मिलेगी ही उस जमाने की. करेक्ट, आप अभी भी वर्ल्ड वॉर टू की कहानी देखोगे तो अभी भी कोई फिल्म बनाता है, वी स्टिल एंड अप वॉचिंग. सो एक ये था कि द थॉट वाज दैट वी फाइंड, बिकॉज इट इज सच अ नाइस पैलेट एज अ मेकर, आई हैव सच ह्यूज अमाउंट ऑफ इमोशंस दैट टू कन्वे इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड टू टेल अ ब्यूटीफुल येट मेच्योर टेक ऑन लाइफ, यू नो. सो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड इट, एंड होपफुली दैट
हम भी कुछ सीखें इन दिस एंटायर प्रोसेस, और किस जो भी दिखा रहे हैं हम किसी को किसी किसी को किसी के लिए फिल्म बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं, दे शुड ऑल्सो टेक समथिंग होम विद देम दैट दे वेंट थ्रू दिस टाइम एंड दे केम आउट ऑफ इट, एंड दे केम आउट ऑफ इट सो ब्यूटिफुली. सो दिस जस्ट कीप दैट होप अलाइव दैट वॉट करेक्ट एवर यू करेक्ट गो थ्रू इन योर पर्सनल लाइफ इन टर्म्स ऑफ इफ इट इज मेसी और इफ इट इज फाइनेंसिस आर नॉट वर्किंग और यू आर नॉट फीलिंग मेंटली स्टेबल, वट एवर इट इज यू विल कम आउट. करेक्ट. एंड ऑल ऑफ अस टुडे टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड दैट हैज अफेक्टेड ऑल ऑफ अस, आई थिंक ये टेस्टिमनी है अपने आप में कि जिंदगी चलती रहेगी. एग्जैक्टली या एग्जैक्टली या राइट राइट. एंड एज एक्टर्स ऑफ कोर्स जिंदगी चलती रहेगी, ये प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आप करेंगे, बट एज अ फिल्म मेकर आरती मेरा सवाल आपसे होगा, व्हाट आर द काइंड ऑफ स्टोरीज जो आप हमें सुनाना चाहती हैं, एंड मंजरी एज एन एक्टर व्हाट आर द काइंड ऑफ स्टोरीज जिनको जिनका आप हिस्सा डेफिनेटली बनना चाहती हैं. आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट बोथ ऑफ यू वांट टू डू, हंगर तो रहती है कलाकारों में, बट कोई ऐसे काम होते ना यार ये एक कैरेक्टर मुझे मिले, मंजरी के अंदर उसकी एक भूख अभी भी है और आरती के अंदर यार ये पिक्चर बनानी है मुझे इन ऐसे कैरेक्टर्स के साथ. सो मंजरी आई आस्क यू फर्स्ट, व्हाट इज दैट हंगर? I want to do some really good biopics, yeah. I want to actually, like, play a person who was there throughout, like, and somebody, some very interesting. There's so many interesting characters. I had studied this character called Noor Anas Khan long back. So I really found that such an interesting character, that or like the biopic of Madhubala or something that I can really challenge myself as an actor in, and something that this that'll be very fulfilling for me. I want to do something like that, and I really want to do a good rom-com, because I've been doing a lot of performance oriented, hard hitting, very serious roles in the recent past, but I want to do something light-hearted, something that'll make people smile, like in Chalti Rahe Zindagi. I think when you watch my story with Seema Biswas, ma'am, it's a very beautiful chemistry that we have in that, and it'll make everybody smile. So I want to do stuff which will actually have people smiling throughout while they're watching it, and give them a lot of love and hope and this beautiful feeling. Right. And you know when they say कि कुछ अगर विश करते हो थ्रो इट आउट टू द यूनिवर्स, यू नो हु नोज यूनिवर्स, मैनिफेस्ट होके आ जाए, आपको तो यस, ज्यादा दूर तक फेंकना भी नहीं, इस विंडो में जो तीसरा खाना है वहीं तक भेजना है बस आपको. राइट. आरती, व्हाट अबाउट यू, किस तरह की आई कहानियां वांट हैं टू या टेल, सुन? या आई वांट actually make good romantic films. बस हो गया, यहाँ काम बन गया, बस बस खत्म, नेक्स्ट इंटरव्यू इसी में कर जी लेंगे. जी सो आई डू वांट टू मेक अ कपल ऑफ रियली टू थ्री रियली गुड, बिकॉज़ रोमांस जस्ट स्टेज, नथिंग लाइक अ गुड लव स्टोरी. सो यू नो एब्सोल्युटली, एंड दैट जॉनर इज स्लाइटली गॉन इन आवर लाइव्स आई राइट वॉज अबाउट नाउ. टू से दिस कि अब वी कहाँ हैव बनती नॉट हैं सीन वो अ फिल्में, सिंगल अब गुड कहाँ बनती हैं. रोम-कॉम इन सो लॉन्ग. करेक्ट या करेक्ट. That genre is like we are only seeing serial killers and murder mysteries and thrillers. अभी That's अभी ऐसा yeah. हो गया कि उस सब के बीच में कहीं एक रोमांस का एंगल है. So I really wanna, because romance has really shaped the way I thought while growing up, and I think it's so impactful, such a beautiful feeling, to tell a good love story, to feel a good love story. So बस एक दो तीन अच्छी एक रोमांसेस बनानी है, और एक आध कुछ ह्यूमन स्पिरिट के ऊपर कुछ बनानी है. राइट राइट. तो वो जो पंडित जी नहीं हो जाते, दो लोगों को मिलाते हैं, तो मैंने वही काम वहां पे कर दिया. एक एक्ट्रेस है जिनको इस तरह की फिल्में करनी है, एक फिल्म मेकर है जिनको ऐसी बनानी है, भाई अब क्या रह गया. बिल्कुल. आरती और मैं सो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, एंड वी विल ऑलवेज वर्क टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स. आई नो दैट फॉर श्योर. यस, सो टच वुड एंड एमन टू दैट, एंड हु नोज नेक्स्ट इंटरव्यू वाकई हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का कर रहे हैं कि आरती बोले बना ली मैंने ऐसी रोम कॉम और मंजरी है उसमें और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. बिल्कुल. बट लास्टली लास्टली, एज यू सेड के यू नो एक टेक होम हर एंटरटेनमेंट का होता है, चाहे हम हंस के जाएं, चाहे रो के जाएं, चाहे कुछ फील करके जाएं, कुछ सीख के जाएं, ये जब हम देखेंगे चलती रही जिंदगी, आई एम श्योर बहुत सारे हमारे टेक होम्स होंगे, बट एज टू पीपल हु बीन पार्ट ऑफ इट, समबडी हु मेड इट एंड समबडी हु इज इनएक्टेड इन इट, मंजरी आपसे पहले पूछूंगी एक सेंटेंस में, आई नो इट विल बी डिफिकल्ट, बट एक सेंटेंस में अगर फॉर द ऑडियंस आपको सम अप करना हो द फिल्म, हाँ, व्हाट विल इट बी?
एक सेंटेंस में, इट्स अ लाइफ अफर्मिंग होपफुल फिल्म अबाउट कोरोना, अबाउट द टाइम्स ऑफ कोरोना, हाउ वी कम आउट ऑफ इट। ओके आरती जी, एक शेर है हमारी पिक्चर में, जो ट्रेलर में भी है और टीजर में है, उसके उसका एक लाइन बोल दूंगी मैं, उम्मीद का जुगनू चलता रहे, चलती रहे जिंदगी। करेक्ट। आई थिंक इससे ज्यादा आप अच्छे तरीके से इसको सम अप किया ही नहीं जा सकता है, और यही उम्मीद का जुगनू पोस्ट कोविड जितने लोग हैं अभी वर्ल्ड वाइड लेकर चल रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर होपिंग ऐसा दोबारा पीरियड हमें देखने ना मिले, मिले भी तो भी आगे हमारी जिंदगी चलती रहे। सो ऑन दैट नोट, विशिंग यू गुड हेल्थ, गुड सक्सेस, गुड लक फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दैट यू डू, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। Thank थैंक you यू so सो much, मच Nidhi. दीदी, Such a pleasure talking to you. थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माई, थैंक यू।